साथियों, आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है, एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और हम सभी कार्यकर्ता उस संकल्प से बंधे हुए हैं, हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए, हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। साथियों, आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझती है, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ ही हर क्षेत्र के गौरव को भी उतने ही गर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है। और इसलिए आज देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो भाजपा है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की अगर कोई आवाज है तो वो भाजपा है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए, देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुनिश्चित करने के लिए जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है। आर्थिक सुधार हो, कृषि सुधार हो, या फिर देश की सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो, या फिर किसानों, श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।